हेलो डियर, आज किंग ऑफ फ्रूट मैंगो का भाग चार यानी पार्ट फोर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से आम में जो लगने वाली बीमारियां हैं उसके बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में फिजियोलॉजिकल डिजीजेज के बारे में चर्चा हो चुका है। इसमें जो है बैक्टीरियल फंगल ये बीमारियों का हम डिस्कस करेंगे। तो आम का जो बीमारी है, सबसे पहला रोग है सफ़ेद चूड़ी रोग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू ये मोस्ट सीरियस डिजीज है आम का। ये एक बहुत ही घातक रोग है। इसका काजल एजेंट एक कवक या फंजाई है जिसका नाम है ओडियम मैंजीफेरी। क्या नाम है? ओडियम मैंजीफेरी, या एक कवक है यानी फंजाई है, इसके द्वारा ये बीमारी होता है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है कि ये ह्यूमिड क्लाइमेट, इसके लिए नम वातावरण में ये रोग ज़्यादा लगता है। इसका लक्षण क्या है? लक्षण ये है वाइट सुपरफिशियल पाउडरी फंगल ग्रोथ ऑन लीव्स, स्टॉक्स ऑफ पेनिकिन एंड फ्लावर एंड यंग फ्रूट्स। मतलब इसमें सफ़ेद रंग का जो फंगल स्पोर होता है पाउडर के रूप में पत्तियों पर, फूलों पर, या रोग बढ़ने पर ये यंग फ्रूट्स पर, मैंने जो छोटे फल होते हैं उनके ऊपर भी ये दिखाई देता है। और इसका जो है अटैक, ये लक्षण फर्टिलाइजेशन के पूर्व से शुरू हो जाता है और यह बीमारी ऊपर से नीचे की तरफ फैलता है। कहाँ फैलता है? ऊपर से नीचे की तरफ। और एक प्रमुख बात इसमें यह है कि यह एयर बार्न, कौन सा है? एयर बार्न यह डिजीज है और वायु द्वारा फैलता है। स्पोर इसके जो है वायु द्वारा फैलते हैं। और अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या होता है? प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप, मतलब मेच्योरिटी के पहले ही फल गिर जाते हैं। इस प्रकार ये भयंकर नुकसान होता है। इसको नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? अल्टरनेट स्प्रेइंग ऑफ बेटेबल सल्फर यानी घुलनशील गंधक का अल्टरनेट डे पर इसका हम छिड़काव करेंगे 0.2%, 0.2%। जैसे सल्फर कंपाउंड कोई है, कैराथेन है, सल्फेक्स है, 2 ग्राम सल्फेक्स पर लीटर वाटर, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम सल्फेक्स की मात्रा लेकर हम डिजायर्ड अमाउंट में जैसा पानी चाहिए उस हिसाब से इंसेक्टिसाइड की मात्रा हम फंगीसाइड की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। इसके अलावा ट्राइडेमार्क 0.1%, या दूसरा जो है बॉबिस्टीन जिसको कार्बेंडाजिम भी कहते हैं, ये 0.1%, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। 15 दिन के अंतराल पर इसको पेनिकिल इमरजेंस स्टेज, मतलब इसको इस तरह समझना है कि 3 बार इसका जरूर स्प्रे करना है। जैसे प्री फ्लावरिंग स्टेज यानी फूल निकलने से पूर्व, दूसरा फूल निकलने के बाद, और तीसरा जो है पोस्ट फ्लावरिंग स्टेज यानी फूल निकलने के बाद। तो 3 बार जरूर इसका छिड़काव करना चाहिए और ताकि इसका नियंत्रण किया जा सके। दूसरा जो है आम का महत्वपूर्ण रोग है ये है एंथ्रेक्नोज। कौन सा है? एंथ्रेक्नोज है। इसका काजल एजेंट भी एक फंजाई ही है, एक कवक है। कौन सा कवक है? कोलेक्टोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स, कोलेक्टोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स, ये फंगस का नाम है। इसके द्वारा ये बीमारी होता है। इसमें क्या होता है कि पत्तियों पर भूरे काले गोल या इरेगुलर यानी अनियमित धब्बे बनते हैं, जो इसका परिणाम यह होता है कि बाद में पत्तियों से टहनियाँ टहनियाँ ये सब क्या होता है इसमें डाईबैक हो जाते हैं यानी सूख कर ये गिर जाती हैं। और ये एक सॉयल बार्न नहीं, मृदा जनित सॉयल बॉर्न ये डिजीज है। ये मिट्टी द्वारा, इसके स्पोर जो है मिट्टी में रहते हैं ताकि नेक्स्ट फसल जब होता है तो उसमें ये आक्रमण करते हैं।
इसके नियंत्रण के लिए रोगी टहनी को प्रूनिंग करते हैं, यानी काट देते हैं, और इसके बाद काटने के बाद उसको जला देते हैं या जमीन में उसको गाड़ देते हैं। और इसके साथ ही साथ स्प्रेइंग ट्वाइस कार्बेंडाजिम, जिसको बेविस्टीन भी बोलते हैं, 0.1% 15 दिन के अंतराल पर फूल निकलते समय ये कार्बेंडाजिम का छिड़काव करते हैं, या कापर फंगिसाइड 0.3% कंसेंट्रेशन का हम फोलियर इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये छिड़काव करते हैं। मतलब अगर पत्तियों पर ये लक्षण है तो इसको रोकने के लिए कापर फंगिसाइड 0.3% या बोडो मिक्सचर आता है, इसका 4:4:50 के रेशियो में इसका प्रयोग किया जाता है। और यदि फ्लावरिंग स्टेज पे सिम्टम डेवलप हो रहा है तो वहाँ पर कार्बेंडाजिम या बेविस्टीन 0.1% का 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। अब आम का जो है नेक्स्ट तीसरा बीमारी जो है उसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरी बीमारी है डाईबैक। आम का तीसरा रोग है कौन सा? डाईबैक। ये भी एक फंगस से ही होता है। इसका काजल एजेंट है बोट्रियो डिप्लोडिया थियोब्रोमी। बोट्रियो डिप्लोडिया थियोब्रोमी या लेसियो डिप्लोडिया थियोब्रोमी ये काजल एजेंट है। ये फंगस है, फंगस। और इस बीमारी का सबसे ज़्यादा प्रकोप जो है अक्टूबर नवंबर महीने में होता है। इसमें क्या होता है कि ऊपर से यानी पीछे की तरफ टॉप से बैक की तरफ टहनियाँ जो है सूखने लगती हैं, डाई बैक, इसलिए इसका नाम ही है डाई बैक। पीछे ऊपर से नीचे की तरफ ये सूखना प्रारंभ करती हैं। और इसके नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से प्रूनिंग द डिजीज ट्विग्स 2-3 inches बिलो द अफेक्टेड पोर्शन, मतलब जो प्रभावित हैं यानी सूखी टहनियाँ हैं उनसे 2-3 inches नीचे इसको काट देना चाहिए, डाली को या टहनी को काट देना चाहिए जहाँ पर डाईबैक बीमारी दिख रहा है। और काटने के बाद स्प्रेइंग कापर ऑक्सी क्लोराइड 0.3% 0.3% कापर ऑक्सी क्लोराइड का छिड़काव कर देना चाहिए टहनियाँ काटने के बाद। इसके अतिरिक्त पेस्ट कापर ऑक्सी क्लोराइड 0.3% ऑन कट एंड, यानी जो सिरा, जैसे ये सिरा यहाँ पे कट किया गया तो यहाँ पे कापर ऑक्सी क्लोराइड 0.3% का पेस्ट लगा देना चाहिए ताकि इसमें कोई फंगल ग्रोथ ना डेवलप होने पाए। इसके अतिरिक्त चौथी बीमारी है आम की जो बैक्टीरियल कैंकर। इसके नाम से क्लियर है कि यह जीवाणु द्वारा यानी बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसका काजल एजेंट है जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पीबी मंजी फेरी इंडिकी, ये इसका काजल एजेंट है। इस रोग से जो ससेप्टेबल यानी प्रोन वैरायटी मुख्य रूप से आम्रपाली, मल्लिका, दशहरी, लंगड़ा, तोतापुरी, यानी इन वैरायटी में ये बीमारी अधिक लगती है। इससे नुकसान देखिए कितना हो सकता है, फ्रूट ड्राप, अगर ये बैक्टीरियल कैंकर लग गया तो फ्रूट ड्राप 10-70% तक हो सकता है। इसके अलावा यील्ड लॉस, उपज में क्या हानि है वो 10-85% तक हो सकती है। स्टोरेज राट यानी स्टोरेज के बाद उसमें सड़न उत्पन्न हो जाता है, ये केसेस 5-100% तक देखा जाता है। मेन सिम्टम क्या, इस बीमारी का लक्षण क्या है? वाटर सोक्ड इरेगुलर लीजन्स ऑन लीफ पिटियोल ट्विक्स एंड यंग फ्रूट, मतलब पत्तियों पर उसके जो है पर्णवृंत होते हैं या टहनियाँ होती हैं या छोटे फल होते हैं उन पर वाटर सोक लीजन यानी धब्बे बनना शुरू होते हैं। ये धब्बे क्या होते हैं? एडवांस स्टेज में बीमारी के बढ़ने के बाद नेक्रोटिक कैंकरस पैचेज में चेंज हो जाते हैं।
ये नेक्रोटिक फॉर्मेशन हो जाता है, नहीं उसमें नेक्रोसिस होता है, विकृति उत्पन्न हो जाती है और बड़े बड़े पैचेज जो धब्बे जो है उनका आकार बढ़ जाता है, वो कैंकरस होते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करना है कि तीन स्प्रे, थ्री स्प्रे आप स्टेप्टो साइक्लिन और एग्रीमाइसिन 0.01% एट 10 डेज इंटरवल, 10 दिन के अंतराल पर एग्रीमाइसिन या स्टेप्टोसाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक्स है जिसका 0.01% की रेट से छिड़काव करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त मंथली स्प्रेइंग आप कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 0.3% हर महीने पेड़ पर कॉपर ऑक्सी क्लोराइड फंगिसाइड का 0.3% छिड़काव करना चाहिए। अब इसके बाद पांचवा रोग है, इसमें एक एलगी द्वारा जो रेड रस्ट के नाम से जाना जाता है वो बीमारी है, उसका हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो है लास्ट बीमारी है रेड रस्ट, यानी लाल गिरुई इसको कह सकते हैं, रेड रस्ट या लाल गिरुई रोग, लाल गिरुई रोग। ये आम का लाल गिरुई रोग इसलिए पॉपुलर है कि यह एक अभी तक जितना बीमारी आप देखे या तो मोस्टली फंगस या बैक्टीरिया द्वारा, लेकिन यह एक शैवाल द्वारा, एल्गी द्वारा होने वाला रोग है। और इसका काजल एजेंट है सिफिलियोरस वायरेसेंस, सिफिलियोरस वायरेसेंस ये एल्गी का नाम है। इसके द्वारा रेड रस्ट ऑफ मैंगो होता है। इसमें होता क्या है कि रस्टी रेड स्पॉट ऑन लीव्स पिटियोज बार्क ऑफ यंग ट्विग्स, इसमें पत्तियों पर, पर्णवृत्त पर और जो छोटी टहनियां हैं उनके बार्क यानी छाल पर लाल रंग के जंक जैसा लगा हुआ धब्बे बनते हैं, स्पॉट बनते हैं। और जो बाद में एडवांस स्टेज पर क्या होता है, इसमें डाईबैक हो जाता है और ये सूख कर समाप्त हो जाती है, पत्तियां हैं जैसे वो गिर जाएंगी, फॉल आउट हो जाएंगी, टहनियां जो है सूख के गिर जाएंगी। तो इनके नियंत्रण के लिए 2 से 3 2 टू 3 स्प्रेइंग आप 0.3% कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, यानी कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का 0.3% का 2 से 3 बार इसका जो है स्प्रे यानी छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त या तो बोर्डेक्स मिक्सचर का 0.6% सोल्यूशन का छिड़काव करना चाहिए। ये दोनों ही फंगिसाइड हैं, इनके नियंत्रण से इसका कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम आम के विभिन्न रोगों के बारे में, डिफरेंट डिजीजेस के बारे में डिस्कस किया गया, और अभी भी इसका एक पार्ट और बनाना है जो इंसेक्ट, जो महत्वपूर्ण कीट आम में लगते हैं, जो हानिकारक कीट लगते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है, जो अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को ऑन ज़रूर करिए। थैंक यू।